हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं रेनफॉल के बारे में, बारिश के बारे में। क्या कभी आपने सोचा है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे मॉनसून विंड्स आ रही हैं और भारत के अंदर बहुत सारी जगहों पे बारिश हो रही है, और ये बारिश एक्चुअली में होती कैसे है? कभी इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश की हो, या फिर किस तरह से ये पॉसिबल हो पाता है, आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि बारिश जो आपकी सिर्फ लैंड एरिया पर ही देखने को मिलती है, ज़मीन पर ही होती है, ओशन में नहीं होती है। बल्कि अगर मैं आपको सच बताऊं तो जो बारिश होती है वो ज़्यादातर जो कन्वेक्शनल रेनफॉल, एक टाइप ऑफ रेनफॉल है, वो आपकी समुद्र वाले एरिया में, ओशंस में ही ज़्यादा देखने को मिलती है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है कि कन्वेक्शनल रेनफॉल होती कैसे है, जो मैंने ये वर्ड यूज़ किया कन्वेक्शनल रेनफॉल, तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कन्वेक्शनल रेनफॉल में होता क्या है कि आपकी जो सन की लाइट है वो किसी वाटर बॉडी पे पड़ती है, और वहाँ से फिर वो जो पानी है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है। जिस तरह से चाय की केतली में आप पानी गर्म करते हैं और वो पानी ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होता है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो होता है। लेकिन इस प्रोसेस में खास बात क्या है कि ये प्रोसेस आपका ओशंस वाले क्षेत्र में, या फिर जहाँ पर समुद्र हो या फिर बहुत बड़ी वाटर बॉडी हो, वहाँ पर ज़्यादा नज़र आता है। तो वहाँ पर पूरे दिन सनलाइट पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, और उसकी वजह से जो समुद्र का पानी है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है, वाष्प बन के ऊपर उठना स्टार्ट होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ज़मीन पे अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, तो जैसे ही हम ज़मीन से ऊपर उठेंगे तापमान गिरता है। तो जो तापमान गिरता है वो कितना है कि हर एक किलोमीटर पे, जैसे ही आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है गिर जाएगा। आप एक बात सोच के देखिए कि जो हवा नीचे से एज अ वाटर वेपर, मतलब कि वाष्प के तौर पर ऊपर गई थी, अब जब वो ऊपर जाएगी तो वहाँ पर तापमान कम होने की वजह से वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी? वो गैस से दोबारा लिक्विड में आएगी, और अगर और ज़्यादा तापमान गिरता है तो वो लिक्विड से अगेन आपका जो सॉलिड फॉर्म में, मतलब कि स्नोफॉल या फिर जो हेयर स्टॉर्म होते हैं, ओले पड़ते हैं, उस फॉर्म में आएगी। खैर, अभी हम इतना समझते हैं कि वो ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद वो जो प्रोसेस होता है जिसमें वो इवेपोरेशन से आपकी लिक्विड फॉर्म में आती है, गैस से लिक्विड फॉर्म में आती है, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। और ये कंडेंसेशन भी, जिस तरह मैंने आपको बताया, लैंड एरिया पर भी देखने को मिलता है, ओशंस पर भी देखने को मिलता है। सो ये जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है, ये ऊपर एटमॉस्फेयर में होता है, ज़्यादा ऊपर की हाइट्स पे होता है। अब कंडेंसेशन जब होता है तो आप एक चीज़ देखिएगा कि गैसेस फॉर्म से वो लिक्विड में आएगा, और लिक्विड फॉर्म में जब वो आता है तो वो क्या होता है, वहाँ पर जो बादल है, क्लाउड्स है, उनकी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। अब पानी जो होता है वो ज़्यादा समय तक हवा में नहीं टिक सकता, क्योंकि पानी का वेट होता है, जो बूंदें होती हैं उनका वेट होता है। और एक और चीज़ अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, तो वो जो बूंद होती है पानी की, जिस जो बूंद नीचे आकर गिरती हैं, उससे कई गुना छोटे साइज में जो वो बूंदें हैं आसमान में बनती है, बादलों में जब फॉर्मेशन होती है तब बनती हैं। और यही बूंदें जो आपकी बाद में हैं नीचे आकर गिरती हैं, और ये जो आपकी रेनफॉल होती हैं, इसी को आपकी कन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल बोलते हैं। ये तीन तरह की टाइप की रेनफॉल होती हैं, उनमें से एक आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल है, बाकी हम और भी आपको जल्द ही बताएंगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। अगर आपको पसंद आया है तो हम इसी तरह की और वीडियोस भी लेके आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि और भी जो वीडियोस आएंगी इंटरेस्टिंग, वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।